1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने के नारे लगाने वाली कप्तान हुकूमत लाहौर में अपने चहेतों को नवाजने के लिए दरिया रावी पर एक नया शहर आबाद करने की आड़ में ज़बरदस्ती आवाम से इनके घर और ज़मीनें हथियाने में मसरूफ़ है, जिससे 80,000 लोग मुतासर होंगे। इस हकूमती मंसूबे के मुतासरीन का कहना है कि हकूमत इनसे ज़बरदस्ती 1250 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से ज़मीन छीन रही है, जो कि 1 किलो बकरे के गोश्त की कीमत बनती है। पंजाब हुकूमत के रावी रिवर फ्रंट मंसूबे की जद में न सिर्फ गरीब आवाम के 20,000 से ज़ायद घर आ रहे हैं, बल्कि 74,000 एकड़ से ज़ायद ज़रख़ेज़ तरीन ज़रई ज़मीन भी इसकी नज़र हो जाएगी, जिस पर इस वक्त मुख्तलिफ फलों के बागात और फसलें लहलहा रही हैं। ज़रई ज़मीनों के मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत इनकी ज़मीन ख़रीदने के लिए जो रेट मुतय्यन किया है वो फ़ी एकड़ 2 लाख रुपये है, जो कि 25,000 रुपये फ़ी किनार और 1250 रुपये फ़ी मरला बनता है। इनका कहना है कि कप्तान हुकूमत का ये फौज मजाक तो हमारी नस्लों को भूखा मारने वाली बात है। रावी रिवर फ्रंट मंसूबे के मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर प्लाजे बनाना चाहती है, फिर हम और हमारे बच्चे इन प्लाजों में मजदूरी करेंगे, लिहाजा ये हमसे नहीं होगा और हम किसी सूरत हुकूमत को अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। ताहम दूसरी जानब हुकाम का कहना है कि ज़मीनों के मालकान को हर सूरत अपनी ज़मीनें बेचना होंगी, क्योंकि इस हवाले से ज़मीन के हसूल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। याद रहे कि लाहौर रिंग रोड और सियालकोट मोटरवे के टोल प्लाजा से एक कच्ची सड़क नीचे की तरफ जाती है। बाईं तरफ शहर की हदूद शुरू होने से पहले रिंग रोड के इतराफ़ फैक्ट्रियों का एक सिलसिला है। दाएँ तरफ मोटरवे के नीचे से गुजरते हुए खेतों का एक लामुत्ता ही सिलसिला शुरू हो जाता है और पहला गाँव क्रोल आता है, जिसके पास गुज़िश्ता बरस मोटरवे पर रेप का घिनौना वाक़या पेश आया था। हज़ारों घर पर मुश्तमिल इस गाँव के साथ कच्चे पक्के रास्तों पर देहात का एक सिलसिला है, जो दरियाए रावी के साथ साथ चलता है। इस सड़क पर छोटा सा गांव बुकनवार वाक़ है, जिसके बाहर खारदार तारों के हिसार में भारी मशीनरी खड़ी है, जो बज़ाहिर तामीराती काम में इस्तेमाल होती है। बुकनवार में आजकल किसान सर जोड़े बैठे हैं और अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक एक नया शहर बसाया जाना है, जिसका नाम रावी रिवर फ्रंट मंसूबा रखा गया है। इस मंसूबे के लिए अलग से एक महकमा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है। हुकूमत की जानिब से यह बताया जा रहा है कि इस मंसूबे से बज़ाहिर ज़्यादा लोग मुतासिर नहीं होंगे और इसकी जद में आने वाली ज़्यादातर ज़मीन बंजर है। ताहम यह हुकूमती मौक़िफ़ सरासर झूठा साबित हुआ है और इस मंसूबे की जद में आने वाली ज़मीनों पर बागात और लहलहाती फसलें खड़ी हैं। इलाके के मुतासर किसानों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए एक बाकायदा तंजीम भी बनाई है, जिसको एक्शन कमेटी का नाम दिया गया है। इस कमेटी के कन्वीनर मियां मुस्तफ़ा रशीद ने खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह पंजाब की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन है। कौन कहता है कि यह ज़मीन बंजर है और इन लहलहाते खेतों के दरमियान ये सामने खड़ी मशीनरी हमारा मुँह चढ़ा रही है कि किसी वक्त भी ये खेत हमसे छीन लिए जाएंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उनका कहना था कि इस इलाके की हज़ारों एकड़ अराजी पर आम, अमरूद और फालसे के बागात हैं, जिन्हें ख़त्म करके यहाँ प्लाजे खड़े करने का मंसूबा बनाया गया है और इसके बज़ हमें चंद सौ रुपये फ़ी मरला ज़मीन की कीमत ऑफर की जा रही है। एक और किसान शफकत अली ने बताया कि यहाँ लोगों की सिर्फ 2-3 एकड़ या 5 एकड़ ज़मीन है, जो फसलों की कमाई से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ी एकड़ 2 लाख रुपये रेट मुतय्यन किया गया है, जो 1250 रुपये फ़ी मरला बनता है। इतने में तो मुश्किल से 1 किलो गोश्त आता है, लिहाजा ये हमारी नस्लों को भूखा मारने वाली बात है। मुस्तफ़ा रशीद ने बताया कि रावी रिवर फ्रंट के मंसूबे में 300 से ज़्यादा देहात आ रही हैं, जिनकी ज़मीन 50,000 एकड़ से ज़्यादा है और लाखों लोग इससे मुतासिर होंगे। दिलचस्प बात यह है कि रावी रिवर फ्रंट का मंसूबा नया नहीं और पुराना इतना है कि इसकी जड़ें क़याम पाकिस्तान के ज़माने से जा मिलती हैं। लाहौर की ज़िलाई हुकूमत के मुताबिक सबसे पहले रावी रिवर फ्रंट का मंसूबा सन 1947 में शहर की ज़िलाई इंतजामिया की तरफ से पेश किया गया था, जिसके खदोखाल अगरचे मुख्तलिफ थे, लेकिन वो रावी के गिर्द ही था। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी यहाँ 44 एकड़ पर हाउसिंग मंसूबा बनाने की बात हुई, ताहम ये मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुँच सका। अलबत्ता मौजूदा हुकूमत ने बिलाआखिर रावी किनारे नया शहर बसाने का ऐलान किया है। इस मंसूबे के लिए बनाई जाने वाली रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 1,02,000 एकड़ ज़मीन पर बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगस्त सन 2020 में इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जबकि इसकी तामीर की फिजिबिलिटी की जिम्मेदारी सिंगापुर की एक निजी कंपनी को दी गई है। यह प्रोजेक्ट अगले 30 साल में मुकम्मल होगा, जबकि इसके खदोखाल लंदन में बहने वाले दरिया थीम से मिलते हैं और यह आइडिया बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन का है। मंसूबे के मुताबिक दरिया रावी को दोबारा जिंदा किया जाएगा और इसका पानी BRB समेत दीगर नहरी निज़ामों से लिया जाएगा। इस मंसूबे में 60 लाख दरख्त, 3 बैराज और 6 पानी साफ़ करने के प्लांट लगाए जाएंगे, जो नाला नुमा रावी का पानी साफ़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक इस मंसूबे से 50,000 अरब रुपये पाकिस्तान की मईशत में दाखिल होंगे। लाहौर से हेडबलोकी तक यह मंसूबा 414 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। इस मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम करने वाली कंपनी के मुताबिक मंसूबे से 74,000 एकड़ से ज्यादा ज़रई ज़मीन मुतासर होगी और करीबन 20,000 से ज्यादा घर मुतासर होंगे, जबकि 80,000 अफराद इस मंसूबे की जद में आएंगे। चुनाचे हज़ारों किसानों ने इस मंसूबे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद इब्तदाई समात में अदालत ने पंजाब हुकूमत को ज़रई ज़मीन रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने से रोकने का हुक्म जारी किया। 27 फरवरी को जारी होने वाले इस हुक्मनामे में न सिर्फ हुकूमत से इस मंसूबे की तफसीलात तलब की गई हैं, बल्कि किसानों को भी जामे जवाब दाखिल करवाने की हिदायत की गई है, लेकिन पंजाब हुकूमत इस अदालती हुक्म को चैलेंज करने का इरादा रखती है।
हुकूमत का दावा है कि इसने अभी तक 5,500 एकड़ जमीन हासिल कर ली है और इस मंसूबे पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। दूसरी जानब किसान एक्शन कमेटी के मुताबिक हुकूमती अहलकार इनको बेजा तंग कर रहे हैं और आए रोज़ हुकूमती अहलकार देहात में रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के खिलाफ इनकी जानब से लगाए गए आगाही के बैनर्स उतार रहे हैं। अब देखना यह है कि इस अदालती जंग में हुकूमत कामयाब होती है या गरीब किसान। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।